कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आ रही है। जिन 8 जिलों में संक्रमण ज्यादा पैर पसार रहा है, जहां पे रोगियों की संख्या ज्यादा है, हॉटस्पॉट जो बने हुए हैं, वहां पर 8 शहरी क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू आज से लागू कर दिया गया है। शनिवार को भी रिकॉर्ड 3,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। हमारे साथ सुदर्शन शेखावत जुड़ रहे हैं सीधे ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर। सुदर्शन, लगातार रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार को आखिरकार ये फैसला लेना ही पड़ा और नाइट कर्फ्यू जो है वो आज से लगा दिया गया है। किस तरह से इस फैसले को देखा जा सकता है, जब क्योंकि अब एक बार फिर से संक्रमण का जो दायरा है वो फिर से बढ़ रहा है प्रदेश में? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो आंकड़ा है वो कितना कम पहुंच गया था और एकदम से 3,000 पर जो आंकड़ा अब यहां पर पहुंच रहा है, आप देखेंगे कि हालात इस तरीके के बन गए हैं जिसमें कि अब नाइट कर्फ्यू यहां पर लगाना पड़ रहा है। यानी कि शुरुआत में हालात ऐसे थे कि आंकड़े कम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। और अब जब लहर, एक तरीके से ये कहा गया कि कोरोना जो है वो पीक पर है और आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जन टीवी ने अपने दर्शकों को यही बताया कि हो सकता है कि ये पीक नहीं हो, हमने ये नहीं कहा था, और ये बात सही साबित हुई क्योंकि पीक शायद और ज्यादा अभी आना बाकी है, आंकड़े शायद और ज्यादा बढ़ना बाकी है, इसीलिए हालात इस तरीके के हो गए हैं कि जिसको पीक कहा जा रहा था उससे भी ज्यादा आंकड़े अब यहाँ पर राजस्थान में सामने आ रहे हैं। और जयपुर के तो हालात ऐसे हैं कि 500 से भी ज्यादा मामले, यानी कि आधा हजार हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अकेले जयपुर राजधानी में यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जोधपुर, बीकानेर और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर सामने आ रहे हैं, 200, 300, 400 मरीज यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और त्योहारी सीजन के बाद में। और इसीलिए चिंता पड़ गई है अब कि सर्दी का मौसम यहाँ पर आ गया है और जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, वो कोरोना के मिलते जुलते ही होते हैं सर्दी जुकाम के लक्षणों से, इसीलिए नाइट कर्फ्यू यहाँ पर घोषित किया गया है। पहला दिन है और जो पुलिस है वो मुस्तैद है क्योंकि मास्क अभियान जो है वो भी शुरू किया गया है पुलिस के द्वारा, इसलिए सुबह से ही हमने देखा, और बल्कि अभियान शुरू होने के बाद से ही पुलिस मुस्तैद है, पुलिस कोरोना आने के बाद से ही मुस्तैद है राजस्थान में, इसीलिए प्रदेश के जो मॉडल है, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे से रामगंज मॉडल हो, वो जो है पूरी देश भर में हिट रहे हैं और देश ने उनको फॉलो किया है कोरोना से लड़ने में, कर्फ्यू लगाना और जो तमाम चीजें हैं आप जानते हैं आशीष। लेकिन अब इससे कैसे बचा जाए, ये यहाँ पर एक गंभीर स्थिति बनती हुई दिख रही है क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हालात और आलम हम सब पहले से जानते हैं। हालांकि सरकार मुस्तैद है, वेंटिलेटर और जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स हैं, उसके लिए बकायदा डेली मॉनिटरिंग की जाती है और नंबर ऑफ बेड्स एंड और नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो है कितने ऑक्यूपाई हैं और कितने ऑक्यूपाई नहीं है, खाली हैं, इसकी बकायदा सरकारी स्तर पर रोजाना तफसील से जानकारी दी जाती है। लेकिन हालात और अलामत जो हैं आशीष आप जानते हैं अस्पतालों के, सरकारी के, और अगर हम बात करें प्राइवेट अस्पतालों की तो वहाँ पर इस वक्त बेड खाली नहीं है। और दूसरी तरफ अगर घर में भी इलाज करने की जो बात कही जाती है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर रख सकते हैं, नर्सिंग केयर आप घर पर रख सकते हैं, जिस तरीके से होटल्स के अंदर भी बेड लगाए गए हैं, तो घर में अब लगाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी यहाँ पर दिखने लगी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेट्स जो है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। साथ साथ में मशीन जो ऑक्सीजन बनाती है और जो तमाम उपकरण है इस तरीके के, उनके यहाँ पर रेट्स बढ़ रही हैं, तो गरीब आदमी और खासकर रोज कमाने खाने वाला, उसके सामने यहाँ पर ज्यादा चिंता है क्योंकि वो इजीली सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहा है, उसको उपचार वहाँ पर नहीं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि खबरें इस तरीके की हमको देखने को मिली है। और दूसरी बात है कि कोरोना महामारी ऐसी है जो गरीब अमीर को नहीं देखती है, तो ये बात भी है कि अमीर भी अगर व्यक्ति है और वो जाना चाहता है तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड नहीं है, इसीलिए उनको मौत का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है आशीष कि व्यक्ति अस्पताल तक पहुँचता है जब तक उसको 3-4 दिन निकल चुके होते हैं, 5 दिन कई बार निकल चुके होते हैं, कई बार 7 दिन निकल चुके होते हैं, ऐसे में उसको बचा पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो स्थितियाँ काफी विकट और गंभीर बनी हुई है और कर्फ्यू लगाना इस बात को पुष्ट करता है, इस बात को साबित करता है कि वाकई राजस्थान में हालात कोरोना को लेकर बेहद खराब है। और ऐसे वक्त में जब पूरे देश में कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, उस वक्त में राजस्थान में आंकड़े बढ़ रहे हैं, और उस स्टेट के जो कि
जब पूरे देश में बढ़ रहे थे तब वो कंट्रोल किए हुए था, तो लगता है कि अभी हालात जो है आने वाले दिनों में हो सकता है और भयावह देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सुदर्शन, SMS अस्पताल के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है, वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा था अस्पताल और वेंटिलेटर को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे क्योंकि कमी की खबरें लगातार आ रही थी, मरीजों को नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में 25 जो है वेंटिलेटर केंद्र अपनी तरफ से देगा। जी बिल्कुल, वेंटिलेटर्स दिए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से, और न सिर्फ वेंटिलेटर बल्कि हर मरीज का जो कोरोना का खर्च है वो भी सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है, राज्य सरकार भी वहन करती है और जो केंद्रीय स्वास्थ्य महकमा है उसकी तरफ से भी यहाँ पर लगातार विभिन्न फंडों में पैसा दिया जाता है। और कोरोना में जो ये वेंटिलेटर मिले हैं, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे मरीजों को जरूर फायदा होगा। धन्यवाद आपका सुदर्शन। तमाम जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।